वाले जुग थोड़ा जिया जीना माणुआ, इनी जीने फिरी कदों इना माणुआ। ये मेरे सामने चनार का पेड़, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। तो यहाँ पर ये सामने दंगल वगैरह होता है जिसे हम छिंज कहते हैं। नाजी, मेरे सामने पार्क है। तो यहाँ पर काफ़ी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रही है, लोग जो क्रॉसिंग कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ों से। मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, प्लीज़ लाइक करें। ली वैली की खूबसूरत लवांग विलेज के सुबह सुबह के मनाजिर हैं। अभी बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है, पहाड़ों पर हद से ज़्यादा धुंध है। मेरी कोशिश है कि मैं अभी बनी जाऊँ, अभी गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरी सिस्टर का घर है, ये सामने फ्रंट में बैठी हुई है। सिस्टर थोड़ा उर्दू काम करती, कश्मीरी में ज़्यादा तरजीह देती है। मेरे भांजा भी साथ में है। ये हैं बढ़ियाल विलेज के खूबसूरत घर। यहाँ पर क्या डेकोरेशन है हद से ज़्यादा। ये गाड़ियाँ जो हैं ये सर्थल के लिए जा रही है। फाइनली मैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। क्या व्यू है। यह है शवन नाला, पानी हद से ज़्यादा, छोटे छोटे यहाँ पर झरने गिर रहे हैं। हमारी बनी वैली में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घराट शवन नाले में ही है। पहले तो कम से कम 20 से 25 घराट हुआ करते थे। कुछ सालों से सिर्फ थोड़े से घराट यहाँ काम कर रहे हैं, मक्की या गन्ना वगैरह पीस रहे हैं, बाकी बंद पड़े हुए हैं। या यहाँ की व्यू है शवन नाले की, बहुत ही खूबसूरत है और पानी भी हद से ज़्यादा है। ये पानी जा रहा है नीचे, बहुत बड़ी नदी है उसके साथ मिल जाएगा। ये हैं सैली विलेज के दिलकश नज़ारे, और यहाँ पर भी बगीचे हैं सेब के। असल में सैली अगर ये देखना हो तो ये ऊपर है सैली, पूरा ढलवान वाली जगह है, मगर है खूबसूरत। बात करूँ अगर बारिश की, तो बारिश जो है बड़ी गिर रही है, मगर तेज़ बारिश गिर रही है। तो भाई रोड में पैदल इस वक्त ट्रैक कर रहा हूँ। साहब क्या हाल है। वालेकुम सलाम, ठीक हो, बिजी हैं। अच्छा ठीक। फाइनली मैं बनी में पहुँच चुका हूँ। यह छोटी सी सिटी है मगर बहुत ही पॉपुलर है। क्या डेकोरेशन है हद से ज़्यादा। काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं खरीद फरोख्त करने के लिए। दरियाई सेवा हमारी, डेली बारिश होती है, काफ़ी पानी है इसमें, वो भी ब्राउन कलर का पानी है। ये गाड़ी जो है मेटाडोर, ये जा रही है ढग्गर के लिए। देख पानी की तरफ देख, मिला हाथ मिला। तो बहुत ही मेरा फैन है, क्यूट सा बच्चा। टूरिज्म वालों ने एक बहुत बड़ा खूबसूरत एक कम्प्लेक्स बनाया है बनी वैली में। ये आज़ाद साहब की एक बहुत बड़ी मेहरबानी थी। जो भी बाहर से टूरिस्ट वाले आते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत एक कम्प्लेक्स है बनी वैली में, और सरथल में भी है। नाजरीन, यहाँ पर बहुत से कम्प्लेक्स में टूरिस्ट वगैरह बाहर से यूपी से आए हैं, तो इनके साथ मिलकर काफ़ी खुशी मिली मुझे। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट वाले जो हैं जा रहे हैं कम्प्लेक्स में। क्या व्यू है ज़बरदस्त। ये बनी के बिल्कुल एक साइड में है। नाजरीन ये है हर्ष बड़े, तो अभी ये गाना गा रहे हैं। ओ हरी चरणा चित लाया माणुआ, जिंदड़ी जो सफल बनाया माणुआ। हरी चरणा चित लाया माणुआ, जिंदड़ी जो सफल बनाया माणुआ। हो करी लिया नेक कमाई माणुआ, छड़ी दिया करीना बुराई माणुआ। करी लिया नेक कमाई माणुआ, छड़ी दिया करीना बुराई माणुआ। ओ कल युग थोड़ा जिया जीना माणुआ, इनी जीने फिरी कदों इना माणुआ।
कलयुग थोड़ा जिया जीना माणुआ, इनी जीने फिरी कदों इना माणुआ। रहे तो इनका चैनल भी है ब्लू बॉयज, तो आप इनकी भी हेल्प कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल और कमेंट्स भी करें, इनको लाइक्स भी करें। हमारे यहाँ लोकल जो लोग हैं ये इनका आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। लोकल लैंग्वेज में आखले कहते हैं। तो काफ़ी फ्रूट है यहाँ पर, इनका मज़ा ले रहे हैं। अच्छा, पूरे बनी वैली में होते हैं हर जगह? पूरे बनी में होते हैं। एक और होते हैं सो काले रंग के होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। हम तो उनको कहते हैं करीरू। करीरू, हाँ, करीरू काले होते हैं। ये गाड़ी जो है ये ढाकर के लिए जा रही है इस वक्त, सवारियां लेकर। मैं इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर रूबरू हूँ। ये जगह है बनी में। हर साल की तरह इस साल भी पहाड़ी कल्चर मंच बहुत ही खूबसूरत, बहुत किस्म के यहाँ पर मेले करवाए जाते हैं, पूरी स्टेट लेवल पर मशहूर है। दूर दराज गाँव से लोग आते हैं, बहाने से यहाँ पर मुलाकातें करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। यही है हमारे बनी वैली की शान आन बान। बहुत बारिश हो रही है रुक रुक के, इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है, खासकर इस वक्त बनी वैली में हूँ। ये आप देख ही सकते हैं क्या व्यू है इस वक्त, ज़बरदस्त। ये मेरे सामने चनार का पेड़, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। तो यहाँ पर ये सामने दंगल वगैरह होता है जिसे हम छिंज कहते हैं। नाज़रीन, ये मेरे सामने पार्क है। यहाँ पर दोनों तरफ से नदियाँ बहती हैं, नदी तो एक ही। जो भी बाहर से लोग आते हैं जाते हैं देखने के लिए और यहाँ पर एंजॉय भी लेते हैं। ये है झूला पुल, इस वक्त मैं पुल क्रॉस कर रहा हूँ। पानी देखने तो काफ़ी सारा पानी नदी में है, बारिश पहाड़ों में हो रही है, बर्फ़ भी पिघल रही है, इसकी वजह से पानी भी ज़्यादा है। नाज़रीन, पुल पूरा हिल रहा है, मोमेंट कर रहा है, जैसे इसमें वाइब्रेशन हो रही है, तो डर लग रहा थोड़ा। बहुत ही खूबसूरत और यहाँ के दिलकश नज़ारे, ये सामने हट्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं टूरिस्ट के लिए, आम लोगों के लिए। ये हैं पेड़ किस्म किस्म के, और ये फूल देखो कितने खूबसूरत फूल है। ये बीच में यहाँ पर रेड कलर की टाइलें भी लगी हुई हैं, और साथ साथ में यहाँ पर छोटे छोटे खूबसूरत पेड़ हुए हैं, और बैठने के लिए भी यहाँ पर कंफर्टेबल हैं बेंच वगैरह, साथ में नदी भी है। ये हमारे बनी वैली की बहुत ही शान है। बच्चों को छुट्टी हो गई है, अब वापस जा रहा हूँ मैं बस स्टैंड की ओर। अभी मौसम भी खुल चुका है, तो मुझे अभी लिफ्ट यहाँ पर मिल गई है, मेटाडोर वगैरह। ये है सिचुएशन हांसा मोड़ की। तो हमारी बनी वैली में दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ग्रिफ वाले ज़ोरों शोर से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रही है, लोग जो क्रॉसिंग कर रहे हैं पैदल कर रहे हैं इस वक्त। यह हांसा मोड़ की सिचुएशन है। ये सामने से कैट आ रही है, बड़ी कैट, बड़ी मशीन, क्योंकि आगे जो है लैंडस्लाइडिंग हो रही है। अभी मशीन जो है अभी रोड को साफ़ कर रही है, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर कंकर मिट्टी सब नीचे आ गए रोड पर, और कीचड़ पूरा है। अभी मशीन जो है साफ़ कर रही है रोड को, तभी गाड़ी यहां से निकल सकती है लवांग के लिए। नाज़रीन, सिर्फ इस साल ही ये परेशानी इतनी है, अगले साल तक कोई परेशानी रहने वाली नहीं है। समीर नाम का एक मेरा फ़ैन है, दो तीन बार उन्होंने मुझे कमेंट्स किए कि मेरा नाम ज़रूर लेना। समीर, आप जहाँ कहीं भी हो
खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।